तो दोस्तों हो गया ना काम तमाम। दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को जबरदस्त 32 रनों से शिकस्त दे दी है। और मैं बार बार कह रहा था यशस्वी जसपाल को आखिरकार रोहित शर्मा के साथ ओपन क्यों नहीं किया जा रहा। शुभमन गिल में ऐसा क्या है यशस्वी जसपाल से वो आगे है। यशस्वी जसपाल अगर आप ईमानदारी के साथ कहें प्रदर्शन को भी उठाएं तो यशस्वी जसपाल की इस टीम में जगह बनती है। शुभमन गिल मुझे नहीं लगता कहां से सेटिंग करके इस टीम में वाइस कैप्टन बन गया। गौतम गंभीर आए हैं उसकी फर्स्ट चॉइस बन गए हैं। और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर एक वक्त केकेआर में हुआ करते जब कैप्टन थे, शुभमन गिल वहां पर खेलते थे। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। शुभमन गिल का जो 22 कैप्टन आखिरकार क्यों बनाए गए भारतीय टीम? क्या शुभमन गिल से पहले और कोई दावेदार नहीं था? थे। गिल की बात करते हैं, जब गौतम गंभीर केकेआर के कैप्टन हुआ करते थे तो वहां पर शुभमन गिल केकेआर के लिए ओपन किया करते थे। वहां से जो रिश्ता है गौतम गंभीर का वो शुभमन गिल से जुड़ा हुआ। गुजरात टाइटंस के साथ जब चले जाते हैं शुभमन गिल, वहां पर मेंटोर के रूप में गौतम गंभीर आते हैं। अच्छी टीम उन्हें वहां पर रहती है, लेकिन फिर गौतम गंभीर केकेआर में चले जाते हैं और केकेआर से सीधे जो कोच बनाए गए हैं भारतीय टीम के, यहां पर वही एक रीजन मुझे लगता है कि हो सकता है कि गौतम गंभीर पूरी तरीके से आंख बंद कर चुके हैं और ये डिसीजन लिया है उन्होंने कि 22 कैप्टन तो हमारा गौतम शुभमन गिल ही होगा। शुभमन गिल के बल्ले से रन निकल ही नहीं रहे। आप उसे लगातार साल भर खिलाइए, कभी ना कभी तो रन बन ही जाएगा। ओडीआई वर्ल्ड कप उठाइए आप, क्या किया तो वहां पर भारतीय टीम जो हारी थी वहां पर रोहित शर्मा ने जबरदस्त स्टार्ट दिया था, लेकिन शुभमन गिल जो है उनकी वजह से भारतीय टीम हारी थी। बिल्कुल भी स्टार्ट अच्छा नहीं दिया था, लेकिन थोड़ा वक्त भूला गया बीता और अपने गौतम मुझे बार बार गौतम गंभीर का नाम आता, शुभमन गिल उनके प्रदर्शन को भूल गए। अब जब हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर आए हैं, पूरी पावर बीसीसीआई ने दी है, उनके पसंद का फील्डिंग कोच है, उनके पसंद का मेंटोर है, उनके पसंद का जो बॉलिंग कोच है और उन्हीं के पसंद का वाइस कैप्टन है। और जहां तक अगर बात T20 में खासतौर से आप देखें तो शुभमन गिल T20 के वाइस कैप्टन है। समस्या परे है, बिल्कुल समस्या परे है। ठीक है, फिटनेस पर थोड़ा सा आपको डाउट था हार्दिक पांड्या, लेकिन वाइस कैप्टन तो बन ही सकते थे। सूर्य कुमार यादव को आपने कैप्टन बनाया तो फिर आप उधर बुमराह को वाइस कैप्टन बना सकते थे, लेकिन शुभमन गिल क्यों? यशस्वी जसपाल जिसे आपको परमानेंट ओपनिंग करानी ही है T20 में, आपको कम से कम साल डेढ़ साल बिल्कुल बराबर खिलाना अगले T20 वर्ल्ड कप, तो वाइस कैप्टन क्या यशस्वी जसपाल नहीं हो सकते? हो सकते थे, क्योंकि वो लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें वाइस कैप्टन देना चाहिए था। शुभमन गिल की जगह डिजर्व ही नहीं होती T20 क्रिकेट में, यहां तक कि वर्तमान में ODI में भी। यशस्वी जसपाल को खिलाना चाहिए था, ईशान किशन को T20 में खिलाना चाहिए था। यशस्वी जसपाल जब ईशान किशन ओपन करेंगे या फिर ऋतुराज गायकवाड़ है उनको आप ODI में ले आइए, ना T20 पसंद आ रहा हो तो। शुभमन गिल से यार कई गुना बेहतर यशस्वी जसपाल ऋतुराज गायकवाड़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ईशान किशन ने हालांकि उस वक्त जरूर BCCI के साथ थोड़ी सी तूतू मैमें और तमाम तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन किशन कहीं ज्यादा बेटर है वाइड बॉल में, चाहे ODI हो चाहे T20 हो। दोहरा शतक वनडे में ईशान किशन के नाम भी है और T20 में सबको पता है अगर किशन 10 ओवर खेल गया तो क्या कर सकता है उसके साथ। अगर जसपाल है और अभिषेक शर्मा भी है, ये मत भूलिए कि अभिषेक शर्मा भी है, वो T20 खेल सकते हैं, तो फिर T20 का वाइस कैप्टन शुभमन गिल को क्यों बनाया गया? ये सीधे तौर पर गौतम गंभीर की मनमानी है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, मैंने ऐसा कार्यकाल नहीं देखा, वो एक जमाना था जब ग्रेट चैपल हुआ करते थे, उस वक्त इस टीम में बहुत सारा बिखराव देखने को मिला था। अब गौतम गंभीर जब कोच बने हैं वही कुछ इस भारतीय क्रिकेट में होने वाला है। बस दूसरा ODI मुकाबला भारत हार जाए, पहला ये हारी है, तब आपको चीजें निकल करके आएंगी। टीम जब सक्सेस होती है तो सब कुछ छिप जाता है, और जब टीम हारती है तब जो चीजें जो गलत हो रही होती ना वो निकल करके बाहर आती है। और मेरी इस बात से बहुत से लोग सहमत भी होंगे कि गौतम गंभीर की मनमानी भारतीय टीम पर भारी पड़ने वाली है। आपको ODI क्रिकेट में ऋतुराज और यशस्वी जसपाल किसी एक में से ओपन कराना चाहिए था। यहां पर रोहित शर्मा की भी दोस्तों पूरी चलती हुई नजर नहीं आ रही। गौतम गंभीर अपनी जम करके चला रहे हैं, यही एक कारण है पहला जीता हुआ मुकाबला टाई हुआ, पूरी तरीके से जीते थे। और दूसरा 96 की ओपनिंग पार्टनरशिप 240 आपको चेस करना है, वहां पर आप 32 रनों से हार जाते हैं। यहां पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ चल रहा है।